कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अलग अलग जो ग्रुप हैं, उनने बड़ा ईमानदारी से प्रयास किया कि मुख्यमंत्री त्याग पत्र दें। और ये हमारी जानकारी है कि कांग्रेस के जो केंद्र के जो नेतृत्व आया था, उन्होंने भी ऊपर इस बात को कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बहुत आए, जिनका नंबर काफी बड़ा है, साइजेबल नंबर है, वो सब लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। जो केंद्रीय इनका नेतृत्व है, जो कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश में भेजे गए थे, उन्होंने रिपोर्ट में बाकायदे जिक्र किया इस बात का, और शायद व्यक्तिगत रूप से भी, कि ये नेतृत्व की असफलता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, वो बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी सभी नेताओं का विश्वास जीतने में, सभी नेताओं को साथ चलाने में नाकामयाब रही है। और इसके एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण आप सबके सामने कई बार देखने को मिले। पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जब राज्यसभा की सीट कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के बाद हार गई, तो प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या उनको सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार है? नैतिकता यह बोलती है कम से कम व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। लेकिन त्याग पत्र नहीं दिया गया, और मैं इस बात को भी बड़ा साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अलग अलग जो ग्रुप हैं, उन्हें बड़ा ईमानदारी से प्रयास किया कि मुख्यमंत्री त्याग पत्र दें। जब कांग्रेस पार्टी के केंद्र के नेतृत्व को वो सब लोग अलग अलग मिले हैं, उन्होंने यही कहा है, और ये हमारी जानकारी है कि कांग्रेस के जो केंद्र के जो नेतृत्व आया था, उन्होंने भी ऊपर इस बात को कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बहुत आए, जिनका नंबर काफी बड़ा है, साइजेबल नंबर है, वो सब लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। अगर नेतृत्व परिवर्तन की अगर बात कही है, तो शायद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को यह लगा कि ये हालात वर्तमान के इस प्रकार के नहीं है कि तुरंत उसके पश्चात लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी करना उचित नहीं होगा, तो इसलिए उन सभी नेताओं को जो त्यागपत्र मांग रहे थे, जो इर्द गिर्द बैठे हैं, चाहे वो दाएं बैठे थे चाहे वो बाएं बैठे थे, कल की पत्रकार वार्ता में उनको यही कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव निकलने दीजिए, उसके बाद जो है आपकी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा। अभी लोकसभा के चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को यह लग रहा है कि राज्यसभा की सीट बहुमत के बावजूद हार गए, हिमाचल प्रदेश में बजट उस सूरत में पास कर पाया जब भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया। इससे बड़े कोई उदाहरण हो नहीं सकते हैं बहुमत खोने के। आने वाले लोकसभा के चुनाव में कहीं फिर हार हो गई, और लोकसभा के साथ लोगों के चुनाव में कहीं हार हो गई।